Hi friends, let's do a practice problem on thermodynamics. The question is, a cyclic process ABCD is shown in the PV diagram for an ideal gas. BC and DA are isothermal. Draw ABCD in V versus T diagram. Question ye hai ki hame ek process di hui hai jo ABCD is tarah se ek cycle mein move kar rahi hai. P versus V diagram di hui hai, to hame V versus T diagram banana hai. ये हमारा काम है. अब इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन जो दी हैं. सबसे पहले बीसी एंड डीए. बीसी इज आइसोथर्मल, डीए इज आइसोथर्मल. तो चलो ये चीज कंफर्म हो गई कि बीसी और डीए, बीसी और डीए ऐसा ही आएगा. बी और सी, डी और ए. तो सिंस बीसी इज आइसोथर्मल दैट मींस टेंपरेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. That means एक straight line होगी, ठीक है. And since DA is also isothermal, तो वो भी एक straight line होगी. अभी हमें ये नहीं पता कि B ऊपर होगा या C ऊपर होगा. बस थोड़े थोड़े hints लेके हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे. तो BC will be a straight line, DA will be a straight line, then CD, CD में volume constant है. तो अगर CD में volume constant है तो मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए. सिंस V वर्सेस T आप बना रहे हो, तो C से D अगर आपने मूव किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी. बट अब देखना ही है कि C से D जाते वक्त वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का क्या हो रहा है. तो ध्यान से देखते हैं. जब मैं C से D गया तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा बट प्रेशर डिक्रीज हुआ. एंड एज वी नो PV इज इक्वल टू nRT. में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर प्रेशर कम हुआ है तो टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली कम होगा. मतलब ये मूवमेंट इस तरफ का हुआ होगा, तो मतलब सी इधर है और डी इधर है. तो अभी हमें तीन क्यूज मिल चुके हैं. नंबर वन क्यू, बी सी एक स्ट्रेट लाइन होगी. ऊपर बी होगा या ऊपर सी होगा ये हमें नहीं पता. डी ए एक स्ट्रेट लाइन होगी और सी डी एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टी टूवर्ड्स बी, इस तरह से. तो अब हम इस डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं. तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं. सी से डी हम ऐसे मूव करेंगे और जब डी से ए वापस गए तो आइसोथर्मल हो गया. तो मतलब ये सी हो गया, ये डी हो गया. सी से बी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सी से ए भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है. अब ए और बी के बीच में किस तरह किस तरीके का कर्व है. नाउ वी नीड टू सी दैट ए और बी, दिस वाज प्रेशर कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अगर देखें, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआर बाय पी इनटू टी. मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी. तो वाई इज इक्वल टू एमएक्स टाइप का ये कर्व बन गया. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर्व बनाऊंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अब मुझे इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे. ए से बी विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट दैट स्ट्रेट लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन. तो अब मैं इस पॉइंट ए को थोड़ा नीचे ले जाता हूं और मैं इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा बी की तरफ इस तरह, ताकि वो स्ट्रेट लाइन पास हो इस सेंटर से, इस ओरिजिन से. तो हमें कैसे पता चला कि ए थोड़ा नीचे आएगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा. मैं वापस से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं. आप डायरेक्टली अगर इसको देख के ऐसे बनाना शुरू कर दोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी. वी हैव टू टेक सम हिंट्स फ्रॉम दिस डायग्राम. तो सबसे पहले पहला हिंट, अगर वी टी डायग्राम बनानी है V वर्सेस T, तो जहां जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां वहां पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू वॉल्यूम. तो B से C एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, D से A एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो मुझे ये पता चल गया कि दो स्ट्रेट लाइन आएंगी. अब कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है ये अपन अभी गेस नहीं कर सकते, ठीक है. और अगर बी और सी इधर आएगा या उधर आएगा ये भी अभी हम गेस नहीं कर सकते. बस दो स्ट्रेट लाइन आएंगी, इतना पता चल गया. दूसरी चीज, सी से डी यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था. तो सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट था तो अगर आप वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस.
तो हमें तीन चीजें पता चल गई, ये दो वर्टिकल लाइंस और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब चौथी चीज, सिंस जब आप सी से डी मूव कर रहे हो तो आपका प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर के कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम होगा, तो मतलब सी से डी का मूवमेंट इस तरफ है, तो मतलब सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ठीक है। और अब सी से नीचे बी आया, डी से नीचे ए आया, पर हमने अभी अभी देखा कि ए से बी का जो रास्ता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वो एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती तो मैं कहीं से भी ए को बी से जोड़ देता, बट वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का, जिसका स्लोप है एन आर बाय पी। उसका स्लोप कितना है ये हमें नहीं पता। एक ऐसा नया क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें पूछे व्हाट इज द स्लोप, तो उसके लिए हमें प्रेशर पता होना चाहिए, तो स्लोप विल बी एन आर बाय पी। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिए होंगे, आर की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी होगी, तब जाके हमें स्लोप पता चल जाएगा। बट वट एवर मे बी द स्लोप, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और उसका स्लोप हमें नहीं पता, तो वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी ऐसी ऐसी, वो कैसी भी हो सकती है, तो वो तो स्लोप पे डिपेंडेंट है कि वो एग्जैक्टली कैसी होगी। बट अल्टीमेटली मुझे ये पता चल गया कि ए से बी जब मैं जाऊंगा तो मुझे ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो सी से बी यहाँ पे आया, डी से ए थोड़ा नीचे आया, ताकि ए से बी का जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ओरिजिन से पास हो जाए। तो ये हमारा कर्व बन गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर ए बी सी डी। तो आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कर्व को डिफरेंट पी वर्सेस वी से वी वर्सेस टी लेके जाना, टी वर्सेस वी लेके जाना, पी वर्सेस टी लेके जाना। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और बहुत सारे इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।